नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। कालाबाजारी की भंडारित खाद पकड़ाया, 465 बोरी खाद जब्त। कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्रवाई। मालखरोदा क्षेत्र के ग्राम रनपोटा का मामला। शक्ति 17 अक्टूबर 2023 कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कालाबाजारी करने वाले पर धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है। विगत दिवस मालखरोदा क्षेत्र के ग्राम रनपोटा में कालाबाजारी के लिए भंडारित 465 बोरी खाद को जब्त किया गया। कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना के निर्देश पर जिले के खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कृषि विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर शक्ति के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खाद की कालाबाजारी करने वाले पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। ग्राम रनपोटा में खाद का अवैध भंडारण होने की सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर शक्ति के द्वारा मौके पर कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम को रवाना किया गया। ग्राम रनपोटा के कॉम्प्लेक्स में 275 बोरी यूरिया तथा 190 बोरी जिंकेट सुपर फॉस्फेट का अवैध भंडारण पाया गया। इस खाद का बाजार मूल्य 1,62,500 रुपए है। कॉम्प्लेक्स मालिक नूतन पटेल ग्राम मरघट्टी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। तहसीलदार एवं खाद निरीक्षक की उपस्थिति में ताला तोड़कर खाद की बोरियों की गिनती करके जब्त कर सीलबंद कर दिया गया। इस जगह पर खाद भंडारण का किसी भी प्रकार का वैधानिक लाइसेंस नहीं पाया गया। प्रथम दृष्टता से खाद का कालाबाजारी करने के लिए भंडारित किया जाना पाया गया है। उप संचालक कृषि शक्ति ने बताया कि खाद का कालाबाजारी करने वाले अथवा अवैध भंडारण करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जांच पड़ताल निरंतर जारी रहेगा। जिला के सभी विक्रय परिसर का निरीक्षण भी किया जाएगा। उक्त कार्रवाई में नायब तहसीलदार श्री अनुराग भट्ट, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री वतन जादव, उर्वरक निरीक्षक श्री कृष्णा पैकरा, पटवारी श्री दिनेश पटेल, ग्राम कोटवार श्री जगदीश चौहान एवं पूर्व सरपंच श्री सुखीराम कश्यप उपस्थित थे। खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़।